जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, जो दूसरों को गुरु मानता है वो दुनिया का गुलाम हो जाता है, पर जो अपने को गुरु मानता है दुनिया उसकी गुलाम हो जाती है। आज विशेष रूप से जिसे हम अपना आराध्य मानते हैं, गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उसका स्मरण करना चाहिए। आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज हमारे गुरु हैं और उन्होंने मुझे चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, मोक्ष मार्ग पर लाके खड़ा कर दिया और आज मैं यहाँ तक पहुँचा तो उनकी इसमें अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है। मैं विशेष रूप से आज इस अवसर पर उनका स्मरण करता हूँ और नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे अनुज हैं उनको भी मैं याद करना चाहूँगा। प्रसन्न सागर जी महाराज जो नए तपस्वी के रूप में उभरे हैं उनका भी मैं स्मरण करता हूँ। हमारे पुराने सहयोगी है और छोटे छोटे तीर्थों के प्रणेता है मुनि श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज, उनका भी मैं विशेष रूप से स्मरण करता हूँ। और पुलक सागर जी महाराज जो प्रखर वक्ता है, ख्यातनाम संत है, उनका भी मैं स्मरण करता हूँ। और सौरभ सागर जी महाराज है, वो भी हमारे प्रति बड़ा विनम्र भाव रखते हैं, उनका भी स्मरण करता हूँ। प्रमुख सागर जी महाराज है, अरुण सागर जी महाराज है, और भी संघ के साधु है, इसके अलावा और भी कई आचार्य है, मुनि हैं। आज हमारे बीच में दो दो मुनि यहाँ पर विशेष रूप से सिर्फ कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसे बहुत से मुनि हैं, आचार्य हैं, साध्वी है, जो हमारे प्रति प्रेम भाव रखते हैं, उन सबका भी मैं स्मरण करता हूँ। और दिल्ली वासियों का, खास करके राधापुरी जैन समाज का, आप सबका मैं विशेष रूप से स्मरण करता हूँ। मुझे विश्वास है आप मुझे भूलेंगे नहीं, लेकिन मैं भी आपको भूलूंगा नहीं, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। गुरु परिवार के सदस्य दूर दूर से आए हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूरी माँ हैं।